हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेके आया हूँ वो हुडको है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। ये कंपनी अगर आप देखो तो कंपनी हुडको जो कंपनी है, लास्ट ईयर इसने जुलाई के अराउंड आईपीओ किया था और उसके बाद लगातार कंपनी गिर रही थी, लगातार नीचे गिरे जा रही थी। तो इसमें आज खास क्या है, इसका रिजल्ट आया है जून क्वार्टर का, तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। और बहुत बढ़िया स्टॉक भी है, और अगर आप देखें तो अराउंड अपने बुक वैल्यू के अराउंड ट्रेड कर रहा है, अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा है स्टॉक का। और चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो हुडको कंपनी है, 55 रुपये के प्राइस पर ट्रेड कर रही है, बुक वैल्यू है 49 का, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.14 के अराउंड का है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,000 करोड़ की है, बहुत बढ़िया। 52 वीक हाई जो इसका वो 92 का था, उस टाइम पर आईपीओ आया था तभी इसका हाई गया था, उसके बाद 52 वीक लो 51 है, तो अभी 52 वीक लो के अराउंड ट्रेड कर रहा है, रिकवरी के बहुत आसार है इस कंपनी में, फेस वैल्यू 10 की है। अब देखिए इसमें मेन चीज़ जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट कैसा रहा, रिजल्ट 5 सितंबर को रिजल्ट आया है, मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आया है। तो ये देखिए रिजल्ट किस तरीके से रिजल्ट आया। टोटल अगर इनकम की बात करें तो इनकम पिछले साल 930 करोड़ की जो इनकम थी, 930 करोड़ की इनकम थी, वो इस साल 1614 करोड़ होगी। बहुत बढ़िया, इनकम बढ़ी है, एक्सपेंस भी बढ़े हैं उसी हिसाब से, लेकिन प्रॉफिट कितना बढ़ा है वो देखिए। प्रॉफिट देखिए 162 करोड़ का प्रॉफिट जो है ये रहा, आपका जो 162 करोड़ का प्रॉफिट था वो 333 करोड़ हो गया। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, 16 से 32, मतलब टोटल डबल प्रॉफिट हो चुका है पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो 0.81 को से क्वार्टर से 1.70 हो गया है इस क्वार्टर में, बहुत बढ़िया। ये भी अच्छी न्यूज़ है हुडको के इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखिए हुडको का अगर डिविडेंड देखा जाए तो इस साल इसने जो है 55 पैसे का डिविडेंड दिया था, और वो डिविडेंड भी फैब में डिविडेंड पे किया था। अब एक नज़र डालते हैं इसके ग्राफ पे। अगर ग्राफ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राफ में काफ़ी आपको नीचे दिखेगा, ये देखिए ये नॉर्मल इसका ग्राफ है, तो पिछले 6 महीने में क्या पूरे 1 साल 1.5 साल में अगर आप देखें तो ये जो इसका प्राइसिंग थी वो ये आईपीओ के टाइम पे उछला था, उसके बाद नीचे लगातार गिरावट देखने को मिली थी। टेक्निकल ग्राफ में एक नज़र डालते हैं तो आप खुद देखिए, ये सेम वही ग्राफ है। एक टाइम जब आईपीओ आया था तो थोड़ा कुछ दिन बाद एकदम ज़बरदस्त जंप देखने को मिला था, उसके बाद ये देखिए स्टॉक एकदम गिरते 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 यहाँ 55 रुपीज़ के अराउंड आ गया। अगर आप यहाँ पर इसमें बाइंग लेते हैं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज़ मुझे लग रहा है और अब बढ़िया रिजल्ट आया तो यहाँ पर इसमें ज़बरदस्त उछाल की उम्मीद है, अगर आप इसमें बाइंग लेते हैं तो प्लीज़ स्टॉप लॉस लगा के चलिए, इसमें 50 रुपये के अराउंड का स्टॉप लॉस लगा के चलिए और बाइंग ले सकते हैं आप इसमें, बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। स्टॉक मार्केट करेक्ट हो रही है तो आपको ये 52-53 रुपये पे भी मिल सकता है, 54 का पे भी मिल सकता है ये स्टॉक। अभी इस रेंज में बाइंग, रिजल्ट अच्छा है तो इसमें तेज़ी के आसार बन रहे हैं अच्छे रिजल्ट के बाद। तो ये जो जोन है ये देखिए, ये कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है, तो इस रेंज में आपकी बाइंग बनती है। और आप अगर शॉर्ट टर्म टारगेट मान के चलते हैं तो आप 62-63 का शॉर्ट टर्म टारगेट मान के चलिए, सेकंड टारगेट आप लेके चलते हैं तो 72 का सेकंड टारगेट लेके चलिए, 72 और ये 68 के अराउंड का, इस तरीके से आपको मल्टीपल टारगेट्स मिलेंगे और 84 का आपका मेन टारगेट। लेकिन स्टॉप लॉस, इमीडिएट स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 54 रुपीज़ के अराउंड भी है, और उसके बाद आप 50-51 रुपये के अराउंड भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं हुडको में। 54 रुपये के अराउंड स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि ये पुरानी लाइन जो चल रही थी वो इस तरीके से। और अगर मैं आपको बताऊं, इसमें इसका जो वैल्यूएशन है बहुत अट्रैक्टिव है, आरओसी 7% का है, 8.84% का आरओई है। और एक नज़र डालते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो देखिए किस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका अभी है। ये देखिए प्रोमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जैसे हुडको गवर्नमेंट की कंपनी है तो मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज की कंपनी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमोटर्स होते हैं, ऑलमोस्ट 89% इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी जो मेन इसमें है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC का 1.53% शेयर है, और म्यूचुअल फंड्स ने इसमें 7 म्यूचुअल फंड ने बाइंग कर रखी है 1.22% की, FIIs ने इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें, बहुत बढ़िया, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, गवर्नमेंट की कंपनी है, बहुत टॉप की हुडको, अच्छा रिजल्ट है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बॉटम पे है स्टॉक अभी अपने, डेफिनेटली कुछ परसेंट, 10% 15% तक अच्छा खासा आपको बहुत जल्दी रिटर्न दे सकता है हुडको। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।